पात्र में हमने 1 लीटर पानी लिया है, जिसमें हम नीम की पत्तियां और तुलसी की पत्तियों को डाल देंगे और इनको गर्म होने देंगे। जब तक गर्म होने देंगे तब तक इसका 1 गिलास पानी कम हो नहीं जाता। नीम और तुलसी जब तक उबल रही हैं तब तक हम कपूर और फिटकरी को अच्छी तरीके से पीस कर पाउडर बना लेंगे। अब हम इस पानी को एक दूसरे पात्र में छन्नी के माध्यम से छान लेंगे। छने हुए पानी में फिटकरी और कपूर का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और कुछ समय के लिए इसको ढककर रख देंगे। को हमने ढककर रख दिया है ताकि इसका कपूर ना उड़े और जो कपूर है वो पानी में अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठंडा होने के बाद अब हमारा सैनिटाइजर तैयार है। इसको हम किसी भी प्रकार की बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में विभिन्न प्रकार के सैनिटाइजर मिलते हैं, लेकिन उनमें केमिकल मिले रहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक रहते हैं। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि घर पर ही सैनिटाइजर बनाएं और उसका यूज करें। धन्यवाद।